दोस्तों, हमने 2 किलो आम लिया था जिसको मैं काट चुकी हूँ, और ये मैंने बचा है लास्ट आम। और आज हम बनाएंगे आम का अचार। और आम का अचार, मैंने आम को छोटे छोटे पीस में काटा है। अब इसको हम धुलेंगे, उसके बाद हम इसको धूप में सुखाएंगे 1-2 घंटा। उसके बाद हम सारे मसाले मिलाएंगे, फिर हम आपको सब दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे क्या करना। देखिए, मेरा आम का अचार सूख गया है, मैंने इसको सुखा लिया है 1-1.5 घंटे तक। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, डाल देंगे 1 चम्मच भर के। और इसमें डालेंगे हम नमक, स्वाद अनुसार अपने डाल लीजिए, कम ज़्यादा जैसा जो खाता है। और उसके बाद इसमें डालेंगे मिर्चा पाउडर, तीखा खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा डालिए, चटपटा बढ़िया स्पाइसी बनाइए। और इसमें डालेंगे जवाइन, और इसमें पड़ेगा सौंफ, मैंने जवाइन डाला है, जीरा डाला है। इसमें डालेंगे सौंफ, और ये है मंगरेल। और इसके बाद इसमें हम तेल डाल लेते हैं, तेल मैंने डाल लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच काली सरसों डाली है, जो मैंने पहले से पीस के रखा है अचार के लिए। और इसमें इस कटोरी में मैंने जीर, सौंफ, जवाइन, अजवाइन सब मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट करके डाला था पीस के। बस इसको हम डाल देंगे 1 चम्मच। अब बस इसको मिला ले रहे हैं, और मेरा अचार रेडी हो चुका है। देखिए, तो मेरा अचार का मसाला एकदम बढ़िया से मिल गया है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बनाइए और खाइए, और मुझे बताइए कि कैसा आपका बना हुआ है। और मेरा पूरा वीडियो देखिए, लाइक, शेयर, कमेंट करिए, स्किप मत कीजिए। और इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा डालेंगे 1 चम्मच हींग, जिससे हींग अचार में पड़ने से अचार का स्वाद बढ़ जाता है और आपका पेट भी सही रहता है। और देखिए, मेरा मसाला एकदम अच्छे से मिल गया है दोस्तों। और अब इसे हम डिब्बे में रख देंगे, और आप इसे 2-4 दिन धूप दिखाइए और खाइए आराम से। 2-4 महीने खाइए, साल भर खाइए, ख़राब नहीं होगा आपका अचार। और देखिए कितने अच्छे से मसाले सारे मैंने मिला दिए हैं। ये मेरा 2 किलो आम था, और मैंने अच्छे से सारा मसाला मिलाया। और अब हम डिब्बे में इसको रख देंगे और धूप दिखाएंगे। आप भी बनाइएगा और खाइएगा।